हाय दिस इज शिवाय सिंह ओबेरॉय। वो डेकोरेशन का ऑर्डर जो मैंने कैंसिल किया था उसे कैंसिल कर, नहीं कैंसिल को कैंसिल कर दो, नहीं शादी कैंसिल नहीं हुई है। हाँ भैया, अनिका बोल रही हूँ मैं ओबेरॉय मेंशन से। जो मैंने केटरिंग का ऑर्डर दिया था मैंने वो कैंसिल करने के लिए, वो कैंसिल नहीं करना है क्योंकि अब शादी हो रही है। अब एक नहीं दो शादी हो रही है तो सब कुछ डबल लगेगा। हाँ मैंने कैंसिल इसे किया था क्योंकि शादी कैंसिल हो गई थी, लेकिन अब शादी हो रही है और एक ही नहीं दो दो शादियां हो रही हैं। So just do it, okay? Now. कीजिए। रागिनी, क्या मैं बात कर सकता हूँ तुमसे? Yeah, sure. Will you marry me? Yes. Yes, I'll marry you. वेट कर रही थी कि तुम मुझे कब प्रपोज करोगे। एंड योर यस यस आई एम गोइंग मैरी यू। ओके अनिका, व्हाट आर यू डूइंग हियर? सब ठीक है? आपने तो सब कुछ ठीक होगा ही। वैसे मैं सोच रही थी कि अब तो हमारी सगाई हो चुकी है तो शादी में देरी क्यों? क्यों ना हम शादी अगले हफ्ते ही कर लें? I mean, sure, जैसे आपको अच्छा लगे। After all, आपकी मर्जी और आपकी खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। If you want to get married next week, then we'll get married next week. Yeah? एक बात और, मैं चाहता हूँ हमारी शादी जल्द से जल्द हो। In fact, इसी वीकेंड। वीकेंड मतलब चार दिन? Yeah, 4 days. विक्रम, हम 3 दिन में शादी कर लेते। चार दिन बहुत बहुत ज्यादा होते हैं, मुझे लगता है आई थिंक 2 दिन में शादी करनी चाहिए। आर यू ओके? 2 दिन? या यस आई एम ओके। आई मीन आई एम सो हैप्पी, आई एम एक्साइटेड। यस तू है मेरे जीने की वजह, हो जा अपनी मंगेतर लाची को हमें भेज दे। आटलो विचार हूं करे छे बोल ने। जस्ट हो उधर कोई बेवकूफी ना कर दे। वहां पर आप जरा सी भी ओवर स्मार्टनेस बिल्कुल मत दिखाना और कुछ भी ऐसी बेवकूफी मत कर देना कि उनको हम पर शक हो जाए। हूँ थियो इसका मतलब
कल ही दोनों जो फोन पे बात कर रहे थे वो सारे फंक्शन हर हराई के करने के लिए नहीं कर रहे थे बल्कि शादी कैंसिल करने के लिए कर रहे थे। और हम लोग पहले ही मन बना के बैठे थे शादी कैंसिल करने का। और फिर एक ओवर इंतुचेरैया ने मन की बात बिगाड़ दी और जो शादी कैंसिल होने वाली थी वो अब हो रही है। और यही नहीं, दो हफ्ते बाद नहीं, दो दिन में और एक मानसून ऑफर भी है, एक के साथ एक शादी मुफ्त। और ये क्रेडिट जाता है हमारी ओवर इंतुचेरैया गौरी शर्मा, गौरी ओमकार सिंह ओब्रॉय और रुद्र सिंह ओब्रॉय को, उनके स्टूपिड प्लान की वजह से। थैंक यू। क्या करेंगे, एक शादी रोकने के लिए चले थे, दूसरी शादी करा दी। शंकर जी आप भी ना, सारा रायता फैल गया। अब बोलो ना, जोर से बोलो, जले से सो रॉक्स। करने वाले थे आप वहां पर पचंगी पर हाथ उठाने वाले थे। हाथ नहीं उठाने वाला था, मैं उसे जान से मार देता। उसकी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात करने की? आप जानती हैं यहां पे क्या हो रहा है? पुत्र हम जानते हैं यहां पर क्या हो रहा है, इसीलिए तो हम यहां पर हैं। मुझे यकीन नहीं आता हमारे देश में आज भी ये सब हो रहा है। पुत्र आप प्लीज धीरे बोलिए, अगर कहीं किसी ने हमें गलती से भी सुन लिया तो हम पर शक करने लगेंगे। क्यों करते लोग ऐसा? पैसों के लिए। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है रुद्र, ऐसे लोगों को उल्टा लटका देना चाहिए। उल्टा क्या, मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है लोगों ने। हम जानते हैं कि आपको बहुत बड़ा शौक लगा है, आप इस वक्त बहुत गुस्से में हैं, पर प्लीज शांत रहिए। कैसे शांत हो जाऊं, तीन लड़कियों की जिंदगी खतरे में है। तीन नहीं, चार। चाहते हैं ना कि उन लोगों को सजा मिले, तो आपको हमारी एक बात माननी पड़ेगी। दी भैया ये क्या करवा दिया आपने हमसे, जो शादी पहले टूटने वाली थी अब वो फिर से हो रही है। और इस बार सिर्फ अनिका भौजाई की शादी नहीं, बड़े भैया भी शादी करें वो नागिनी के साथ। What? No. You're joking, ना? रूडी भैया हम जोकिंग नहीं कर रहे, हम सच कह रहे हैं। यहाँ पे दो दो शादियां होने वाली, वो भी दो दिन के अंदर। ओह नो, आपके प्लान ने सब गड़बड़ कर दी। अभी पर ऐसा कैसे हो सकता है? जेलेस एसएसओ रॉक्स। अभी प्लान परफेक्ट था, एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम हुई है पक्का? नहीं, आपने जो जो कहा था हमने बिल्कुल वैसे ही किया, हमने सब सही किया था। तो फिर किसी और ने कलाकारी दिखाई होगी बीच में? ओह, तो नहीं किया कुछ? नहीं, बल्कि वो तो पहले से कह रहे थे कि हमारा प्लान एकदम फालतू है, पर हमें लगा कि सब अच्छे से हो जाएगा। हमने उनकी बात ही नहीं सुनी, सुन लेनी चाहिए थी, शायद ये सब ना होता। ओह प्लीज भाभी, ओ को छोड़िए, जैसे हमें ओ की बातें समझ में नहीं आती है ना, वैसी ओ को हमारा प्लान समझ में नहीं आया होगा। देखिए प्लान परफेक्ट। अभी सोचिए, किसी ने तो कलाकारी दिखाई है हमारे प्लान के बीच। और कौन हो सकता है ये सब करने वाला? दिमाग भी ना अजीब चरौटा है, वैसे हमेशा चलता रहता है, अभी पर कटा के बैठा है। से वही सोच रहे हमारे दिमाग की घंटी कब बजेगी। कौन कब बजेगी? अरे घंटी माने वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वो होते हैं ना फोन में रिंग रिंग जो पहनते हैं वो रिंग। ये रिंग तुम्हारी है ना? हाँ रूडी भैया, हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है। भौजाई की उंगली में तो बड़े भैया वाली अंगूठी, फिर वो बदली कैसे? मक्खी थी। जाइए इसे साफ कर दीजिए। तुम चिंता मत करो। समझ गए, ये काम जरूर उस नागिनी का है। नागिनी को तो हमें एक झांप में दीवार से सटा दें। Finally, 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 he just said it. उसने कहा, रागिनी, will you marry me? Oh my God, I'm so happy.
देखो, I knew कि ऐसा होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। Oh my God! What are you doing? कुछ नहीं, खुशी मना रही थी। मेरा प्लान तो अनिका को शिवाय की लाइफ से दूर करने का था, लेकिन मेरा प्लान इतना जबरदस्त निकलेगा कि अनिका की एग्जिट के साथ साथ मेरी एंट्री परमानेंटली फिक्स हो जाएगी, मुझे ये नहीं पता था। I'm finally going to marry him. I'm so happy. मेरे सारे सपने पूरे होने जा रहे हैं। Oh God. Yeah, I can see that. Thank you so much, Vikram. It's happening because of you. तुम्हारे बिना ये possible ही नहीं होता. Thank you. चलो, finally. बस दो दिन की बात और। उसके बाद मैं मिसेस शिवाय सिंह ओबेरॉय बन जाऊंगी। अब कुछ गलत नहीं होगा। Nothing can go wrong. हमें पूरा विश्वास है इस सारा रायता ना उस नागिनी का ही फैलाया हुआ है। रागिनी ने? Are you sure, भाभी? हाँ हाँ सुअर। Yeah. I think you are right, भाभी। ये ऐसी चीप हरकत है ना, तो उस रागिनी से ही expected है। भाभी आपको पता भी है? वो जो वो उस पर अटैक होने का नाटक करती थी ना, वो उसका फियांसे नहीं करता था उस पर अटैक, बल्कि वो खुद अपने आप पर अटैक करवाती थी। पता है क्यों? बड़े भैया की सिंपैथी पाने के लिए बस। और वैसे उसका एक्चुअली कोई फियांसे वगैरह नहीं है, वो जो सिद्धार्थ करके जिस लड़के की वो बात करती थी वो तो 2 साल पहले जाके अमेरिका में सेटल हो चुका है। रागिनी सच में पागल है? हाँ हाँ वही तो, पागल नहीं वो तो साइको है, साइको। इससे पहले कि भैया उसे शादी करे हमें उसकी असलियत सबके सामने लानी ही होगी। भाभी मैं एक काम करती हूँ, मैं उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकलवाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ। ठीक है जल्दी। हाँ बाय भाभी, टेक केयर। मुझे एक बात पूछनी है। पूछिए। आपको नागिनी के बारे में मुझसे ज्यादा कैसे पता है? वैसे ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको नहीं पता है। कोई नहीं बताइए। अरे कहाँ जा रही है भाग? लाची बात तो सुनिए। जानवी। ओह गॉड ये कैसे हो गया? आई कॉल द एम्बुलेंस। फोन भी काम नहीं कर रहा। जानवी अब क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते जानवी। He is dead already. सारे डोर्स और विंडोज अंदर से लॉक्ड है। मैंने बैक डोर भी चेक कर लिया है, वो भी अंदर से बंद है। इसका मतलब है बाहर से अंदर कोई नहीं आया, और घर में हम तीनों थे। तुम्हारे हाथ गीले क्यों हैं? वो अभी धोकर जो आया, कुछ ऑयल से लग गया था तो साबुन से निकालने की कोशिश की। लाओ मैं दिखाता हूं मेहंदी कैसे लगाते हैं। अरे इतना चीप आदमी है, आप इसे अरेस्ट क्यों नहीं कर लेती?
सुल्तान आ रहा है। अगर हमने इस बजरंगी को अरेस्ट कर लिया तो हम सुल्तान को नहीं पकड़ पाएंगे। अगर हमने सुल्तान को पकड़ लिया तो इस बजरंगी जैसे ना जाने कितने ही क्रिमिनल्स अपने आप पकड़े जाएंगे। आपकी दिकरी लाची कहीं नजर नहीं आ रही है, बुलाओ उसे। इसकी तो मैं माता कर दूंगा। प्लीज शांत रहना, प्लीज। सुल्तान भाई, ये है सुल्तान। ओह गॉड, ये इतनी जल्दी आ गया, अब हम क्या करेंगे? प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।